हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा सुवेन फार्मा के बारे में। देखिए, एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम्स को नहीं हुआ है लिस्ट हुए हुए, और उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त न्यूज़ निकल कर आई है। वो न्यूज़ क्या है, चलिए मैं पहले आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर बाकी शेयर के बारे में हम एनालाइज करेंगे। इस शेयर के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस शेयरों में बहुत सारी ऐसी खूबियाँ देखने के लिए मिली हैं जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और मैंने सोचा अपने दोस्तों को भी इस बारे में ज़रूर बताऊँ कि ऐसा शेयर है, आने वाले टाइम में इस शेयर में क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले वो न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये निकल कर आई है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA अप्रूव्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI प्रपोजल ऑफ अप टू 9589 करोड़ इन सुवेन। तो देखिए, इस कंपनी के लिए FDI द्वारा इन्वेस्ट करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। अब इसके अंदर FII वाले FDI जो बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्ट करेगा, जो कि 9589 करोड़ का है। देखिए, इस शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस इन्वेस्टमेंट के कारण इस शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा, इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आएगी और बहुत बेहतर तरीके से और ये अपने काम को, कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ये तो थी न्यूज़। अब चलते हैं हम इस शेयर के ऊपर कि हमें शेयर के अंदर कुछ करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, कंपनी नई है, कंपनी को ज़्यादा टाइम लिस्ट हुए नहीं हुआ है, और इसका मार्केट कैप 13,000 से ज़्यादा का है, 13,193 करोड़ की कंपनी है। और PE देखें तो 31 का है, बुक वैल्यू 68 रुपये का, काफ़ी महंगा मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में कि आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर देने वाला है ये शेयर। डिविडेंड देता है 1% से कम, लेकिन अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को बांट रहा है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। इस कारण ये इस 1 रुपये के फेस वैल्यू की वजह से भी अपना अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डरों को बांट रहा है। इसका रिकॉर्ड अच्छा है डिविडेंड के मामले में, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके फंडामेंटल, कंपनी कैसी है और इसके अंदर क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। तो देखिए, कंपनी 13 मार्च 2020 को लिस्ट हुई थी, और उस टाइम इसका प्राइस 145.65 रुपये था। उसके बाद लगातार इसने बहुत बेहतर रिटर्न बनाकर कंपनी दे चुकी है। अब तक 145 रुपये है, देखें तो 600 रुपये का भी इसने अपना प्राइस टच कर चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 614 रुपये तक इस कंपनी ने हाई लगा चुकी है, और फिलहाल ये अपने 52वीं खाई पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन ये मुझे आने वाले टाइम में बहुत जल्द 650 के टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं इसके। लेकिन ये याद रखें, अक्सर देखा गया है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था टाटा पावर में, और एक शेयर आपको और बताया था मैंने, दोनों शेयर के अंदर जो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी के कारण शेयर ऊपर पड़ने के बजाय और नीचे गिरा है। तो ऐसा भी हो जाता है कि अच्छी न्यूज़ आती है, शेयर गिरता है, शेयर गिरता नहीं है, वो गिराया जाता है, क्योंकि उसको नीचे से और ज़्यादा नीचे से ख़रीदा जा सके और उसमें बहुत मोटी कमाई करी जा सके। तो हो सकता है इसके अंदर भी आपको कुछ गिरावट देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। नज़र बना के रखें, कंपनी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, और इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब कंपनी की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी देखें। सबसे पहले कंपनी की अच्छाई देखें, तो कंपनी ने अपना कर्ज जो कम किया है, और कंपनी बिल्कुल कर्ज फ्री हो चुकी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE 29.4%, पिछले 3 साल में 29% का इसने रिटर्न बनाकर दिया है। चौथी खूबी इसके अंदर, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 26.4%। ये इसकी आपने अच्छाइयाँ देख ली जो हमारे मतलब की हैं, वो आपको अच्छाई मत दिखा दी मैंने। बुराई भी देखें इसकी, तो स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 7.60 टाइम्स,
अपने जो उसका प्राइस होना चाहिए उससे 7.5 गुना महंगा आपको शेयर मिल रहा है इस टाइम। वर्किंग डे कैपिटल हैव इंक्रीज फ्रॉम 151 डेज टू 231 डेज। ये दो उसकी खामियां हैं, गलतियां हैं, और बाकी सब उसके अंदर अच्छाइयाँ भरी हुई हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें तो देखिए, सेल्स कंपनी की जून 2020 में जो 238 करोड़ की थी अब 348 करोड़ की हो चुकी हैं। नेट प्रॉफिट भी देखें तो 292 करोड़ का था अब बढ़कर 121 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस देखें सालाना आधार पर तो 2019 में देखें कंपनी की सेल 378 करोड़ की थी जो अब बढ़कर 1340 करोड़ की हो चुकी हैं। तो सालाना आधार पर भी देखें और क्वार्टरली आधार पर भी देखें, दोनों ही जगह से बेहतर काम कर रही है कंपनी की, सेल्स बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट सालाना देखें तो 2019 में 109 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट था अब बढ़कर 424 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है। अपने ऑल टाइम हाई का उसने प्रॉफिट कमा चुकी है कंपनी। केवल 3-4 साल कंपनी को लिस्ट हुए भी हुए हैं तो कंपनी बहुत बेहतर कर रही है। का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी सितंबर 2020 में 60% की थी और लगातार इनकी होल्डिंग एक जैसी बनी हुई है, कहीं भी इन्होंने 1% भी कम नहीं किया है और ना ही बढ़ाया है। लेकिन 60% की होल्डिंग किसी भी प्रमोटर की और किसी भी कंपनी के अंदर बहुत बेहतर मानी जाती है। तो एक जैसी इन्होंने अपनी प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग बनाए हुए हैं। वहीं अब FII वाले की बात करें तो देखिए, FII वाले कमाल कर रहे हैं इसके अंदर। जो 2020 में 4.15% की हिस्सेदारी थी अब बढ़कर 9.50% की हिस्सेदारी विदेशी फंड्स ने कर ली है। वहीं DII वालों को देखें तो उनकी भी 4.99% की हिस्सेदारी थी जो अब बढ़कर 10.63% की हो चुकी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत मामूली है 0.01%। वहीं पब्लिक के पास भी लगभग 20% की हिस्सेदारी है। तो देखिए, मैं इस शेयर के अंदर आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ शेयर बहुत बेहतर है। आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो लंबे समय के लिए करके छोड़ सकते हैं। ये ऐसी कंपनी है कि आप अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी इस शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह कहता हूँ, कभी भी मेरे कहने से कोई शेयर ना खरीदें। मैं आपको बता सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कंपनी बहुत अच्छी है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपको रिटर्न निकाल कर देगी, लेकिन खुद की रिसर्च जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी जरूर बताएं। मैंने आपको जो इसकी न्यूज़ दिखाई है, न्यूज़ अभी थोड़ी ही देर पहले की है। वो मैं आपको इस तरह की न्यूज़ बेस्ड वीडियो बनाकर देता रहता हूँ ताकि आप सही टाइम पर इन्वेस्ट कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।